आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बांग्लादेशी कच्ची बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। इस बिरयानी की खास बात यह है कि इस बिरयानी को लंबे चावल में नहीं बनाया जाता है, कामनी चावल में बनाया जाता है। बहुत जो चावल बहुत ही बारीक, बहुत ही खुशबूदार चावल होती है, उसी चावल में ये बिरयानी बनाई जाती है। और आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी बिरयानी हमारी बन के तैयार हुई है और ये एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम ओरिजिनल तरीके से मैं बताई हूँ, बांग्लादेशी कच्ची बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है और जब भी बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे आपका फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदी। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बांग्लादेशी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे ढकाई बिरयानी भी कहते हैं और ये ट्रेडिशनल रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ढकाई बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 kg चिकन ली हूँ, इसे अच्छे से वॉश कर दी हूँ, चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें जाएंगे कुछ मसाला जो मैं दिखला दे रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हर बिरयानी का बिरयानी मसाला अलग होता है, वैसे इस बिरयानी का भी बिरयानी मसाला अलग है। और यहाँ पर मैं ली हूँ 1 tablespoon बिरयानी मसाला और ये मसाला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 1/2 teaspoon शाहजीरा, 1/2 teaspoon साबुत गोल मिर्च, 1/2 teaspoon ज़ीरा और 3 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 जायफल, 1/2 जावित्री का फूल, 8 piece लौंग, 10 से 12 इलायची और 1/2 teaspoon सफ़ेद गोल मिर्च, अगर आपके पास साबुत है तो आप ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को हमें पाउडर तैयार कर लेना है, इन सारी चीज़ों को पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही तैयार रखा है 1 tablespoon है। और यहाँ पर मैं 350 ग्राम प्याज का बिस्तर तैयार कर ली हूँ, जिसे फ्राई ओनियन कहते हैं, आधा को मैं क्रश कर ली हूँ और आधा हमें ऐसे ही रखना है। और 1 tablespoon बिरयानी मसाला आधा मैं अलग कर दी हूँ और आधा अलग कर दी हूँ, 1/2 tablespoon है ये, 1/2 tablespoon है। तो इस बिरिस्ता में 1/2 tablespoon बिरयानी मसाला मैं डाल दे रही हूँ, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 3 tablespoon मिल्क पाउडर, 70 ग्राम मावा, इसे खोआ खीर भी कहते हैं, इसे अच्छे से इस तरह से क्रश कर लेना है, और 4 इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 30 ग्राम किशमिश, 40 ग्राम बादाम, और इसे इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहे तो इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे मैं चिकन में डाल दे रही हूँ और साथ में हमें इसमें डालना है 1 tablespoon भरकर मिर्ची पाउडर, नमक एज अ टेस्ट, 1 teaspoon चीनी, 2 teaspoon केवड़ा वाटर, तो 1 teaspoon मैं अभी डाल रही हूँ और एक बाद में डालूँगी। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद 10 मिनट के लिए मैं रख दे रही हूँ साइड में। आठ सौ ग्राम आलू को छीलकर कलर लगा ली हूँ, इसे फ्राई करना है। और 3 tablespoon यहाँ पर मैं घी ली हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है और ढकाई बिरयानी में घी डाली जाती है। और एक तरफ मैं तेल चढ़ा दी हूँ, इसी तेल में मैं बिरिस्ता फ्राई की थी, 140 ग्राम तेल है और इसी तेल में मैं आलू फ्राई कर लूँगी और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी ताकि आलू हमारा 50% कुक हो जाए फ्राई करते वक्त। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आलू दम में गल जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ ताकि आलू में नमक अच्छे से चला जाए। दस मिनट हो चुके हैं चिकन का मैरिनेशन किए हुए, अब इसमें हमें डालना है 1 medium size का प्याज का पेस्ट, 1 tablespoon अदरक का पेस्ट, 1 tablespoon लहसुन का पेस्ट, 2 pinch सेफ्रॉन, और इसे अच्छे से मिलाकर फिर 10-15 मिनट के लिए रख देना है। और इसे मिलाकर 10-15 मिनट के लिए और रख देना है।
आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं आलू को निकाल लेती हूँ। अब इस तेल को मैं चिकन के ऊपर डाल दूंगी और यहाँ पर आप नमक कम ही डालें क्योंकि तेल में भी नमक है। और इसे अच्छे से मिला लूंगी। और यहाँ पर मैं 1 kg बिरयानी के लिए चावल ली हूँ। और सबसे जरूरी बात, इस बिरयानी में चावल अलग यूज़ की जाती है, बासमती यूज़ नहीं की जाती है। और देख लीजिए चावल, ये कामनी चावल है, बहुत ही खुशबूदार चावल है। ढकाई बिरयानी जो होती है उसमें कामनी चावल यूज़ की जाती है, आप पता कर लीजिएगा। और बासमती बहुत लोग डालते हैं तो उनकी अपनी मर्जी होती है। और इस चावल में जाएगा 2 tablespoon नमक, 3 इलायची, 5 लौंग, 3 तेज़पत्ता, 3 से 4 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा। चावल पकाने के लिए यहाँ पर मैं पानी चढ़ाती हूँ और इस पानी में इन सारे मसालों को डाल दूंगी और पानी में बॉयल आने तक इंतज़ार करूँगी। और हमें लेना है 120 ग्राम गुनगुना दूध, थोड़ा सा फूड कलर। तो जैसे मैंने बताया, इस बिरयानी में 2 teaspoon केवड़ा वाटर यूज़ किया जाएगा, तो 1 teaspoon में डाल चुकी हूँ और 1 teaspoon में कलर में डाल दे रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, इस बिरयानी में नींबू का जूस या दही बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। और फ्राई किए आलू को चिकन के ऊपर अच्छे से मैं रख दूंगी। और हाँ, यहाँ पर 5 आलू बुखारा भी डालना है। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, अब मैं फ़ौरन चावल डाल दूंगी। चावल डालने के बाद फिर जैसे पहला बॉयल आएगा फ़ौरन चावल निकाल लूंगी। जैसे मैंने बताया, चावल डालने के बाद जैसे पहला बॉयल आएगा फ़ौरन चावल निकाल लेना है, क्योंकि ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है, बहुत देर तक दम में रहेगी, तो चावल बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। तो मैं फ़ौरन चावल निकाल लेती हूँ। अब फटाफट से चावल का लेयर लगा दूंगी। चम्मच के हेल्प से चारों तरफ से चावल को इस तरह से दबा दबा कर बैठा देना है ताकि स्टीम अच्छा बने। और हमें दूध को अच्छे से चारों तरफ से छिड़कना है। और यहाँ पर मैं डालूंगी बरिस्ता बिरयानी मसाला। फूड कलर और सबसे जरूरी बात, जैसे मैंने बताया, ये एकदम ओरिजिनल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, बांग्लादेशी रेसिपी है। तो इस बिरयानी में घी अभी यूज़ नहीं की जाती, बाद में की जाती है, जब बिरयानी अच्छे से दम हो जाती है तब घी यूज़ की जाती है। तो मैं एकदम ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैं कवर कर दूंगी दम के लिए। आप चाहे तो आटे से सील कर सकते हैं, मैंने कपड़े से इसे अच्छे से कवर कर दिया ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और इसके ऊपर मैं एक पॉट रख दूंगी वेटेड। और एक तरफ मैं तवा गर्म कर ली हूँ, तवा मोटे तले का है। अगर आपके पास पतली तले का तवा है तो परेशान मत होइएगा, आपको गैस के छोटे वाले बर्नर पे अपना पतला तवा रखना है, टाइमिंग वही रहेगी। हाई फ्लेम पे 4 मिनट रखूँगी, लो फ्लेम पे 35 से 40 मिनट रखूँगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। हाई फ्लेम पे 4 मिनट रखूँगी, लो फ्लेम पे 35 से 40 मिनट रखूँगी, उसके बाद मैं बिरयानी दिखलाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हमारी कच्ची बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ मैं, बिरयानी दिखला दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। यहाँ पर मैं घी डाल दे रही हूँ। इस बिरयानी में पहले घी नहीं डाली जाती है, बाद में डाली जाती है। और घी की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस बिरयानी में। और इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। सबसे पहले चावल को एक तरफ मैं कर लूंगी इस तरह से। और चावल में हमारी यखनी बिल्कुल नहीं है, देख लीजिए यखनी एकदम सूखी हुई है। और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनकर तैयार हुई है, आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फाइनली इसे मैं डिश आउट कर ले रही हूँ और आप देख लेंगे बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। चावल का एक एक दाना देख लीजिए कितना खिला खिला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी रेसिपी ज़्यादातर ओरिजिनल रहती है, और जो रेसिपी ओरिजिनल रहती है उसे ही मैं ओरिजिनल बताती हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी है। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी।
आप देख रहे होंगे कितना प्यारा बिरयानी का हमारा कलर आया है, बहुत ही लजीज बिरयानी बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हमारा चिकन आलू अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, चावल भी बहुत ही खिला खिला आप देख रहे होंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।